चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ। इसे लेकर पार्टी के युवा नेता सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए और अपना रोष जाहिर किया। प्रदर्शन के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ना छोड़ा नहीं, जिसके बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब की तरफ से आज मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास स्थान पर घेराव के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा चंडीगढ़ से सेक्टर 17 से निकला था। वहीं बैरिकेडिंग करके जो है इनको रोक लिया गया। आंसू गैस के गोले जो है वो भी छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है, ताकि इनको बैरिकेडिंग के पार पे ही रोका जा सके। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि इनको यहाँ पे रोका जा सके, आगे भारतीय जनता युवा मोर्चा कुछ ना कर पाए। आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री पंजाब के निवास स्थान के लिए कुछ के लिए निकले थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस का उपयोग किया जा रहा है, ताकि इनको रोका जा सके। ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से नशा है युवाओं को खा रहा है, उस मुद्दे को लेकर जो है आज यहाँ पे कूच किया था भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है इस समय भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं, ताकि तितर बितर जो है इनको किया जा सके, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल जो है वो भी तैनात किया गया है। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड से ये कूच किया था भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके जो है यहाँ पे रोका गया है। अपनी मांगों को लेकर जो है पंजाब मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकले थे आज। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ प्रॉक्स चौधरी, MHB न्यूज़।